जम्मू से एक बार फिर से बड़ी खबर जो है वो ईद की छुट्टी को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बता दे चलें कि आज जम्मू में जो है वो कोई भी जो है वो ईद की छुट्टी जो है वो नहीं होगी। हालांकि ईद की छुट्टी के हवाले से बात करें तो लगातार जो है वो लोगों के जो है वो मैसेज हमें आ रहे थे कि क्या आज जम्मू में ईद की छुट्टी है या फिर नहीं है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो कि आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जम्मू में जो है वो ईद की छुट्टी नहीं होगी। हालांकि ईद की छुट्टी जो है वो कल के दिन जो है वो 11 अप्रैल के दिन होगी। और ऐसे में लगातार लोग ये पूछ रहे थे क्या ईद जो है वो आज है, लेकिन क्या आज सरकारी दफ्तर खुलेंगे या फिर ये कहें कि तमाम जो लोगों के कामकाज हैं वो आज होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आपको बताते चलें कि आज के दिन ईद की जो है वो छुट्टी नहीं होगी। हालांकि ईद जो है वो आज मनाई जाएगी पूरे ये कहें कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ईद का चांद कल शाम को नज़र आने के बाद जो है वो ये अनाउंसमेंट जो है वो की गई थी कि आज जो है वो जम्मू कश्मीर में ईद जो है वो सेलिब्रेट की जाएगी। लेकिन ऐसे में छुट्टी के हवाले से यहाँ तक बात की जा रही थी। हालांकि कुछ देर पहले ये भी बताया जा रहा था कि आज जो है वो छुट्टी है, लेकिन ऐसे में जो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में आज कोई भी जो है वो ईद की छुट्टी नहीं है। और ईद जो है वो अब इसकी छुट्टी जो है वो ये बताया जा रहा है कि इसकी छुट्टी कल यानी कि 11 अप्रैल को होगी। ईद की बात करें तो ईद आज है, जो कि एक ये कहें कि इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसका इंतज़ार जो है वो बेसब्री से तमाम हमारे मुसलमान भाई जो है वो कर रहे थे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि आज जो है वो ईद की छुट्टी नहीं है। और ऐसे में जैसे इस हवाले से कोई और भी जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन छुट्टी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है, क्या आज जम्मू में छुट्टी है या फिर नहीं है। तो आपको बताते चलें कि आज जम्मू में कोई भी जो है वो छुट्टी नहीं है ईद की। और ईद हालांकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी तरफ से एक आर्डर भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आज के दिन जो बच्चों के एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन जो है वो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन छुट्टी के हवाले से बात करें तो छुट्टी नहीं होगी। सरकारी मुलाजमों को आज दफ्तर में पहले की तरह जो है वो आज भी जाना होगा। और इस बीच बात करें अगर तमाम जो तालीमी इदारे हैं तो वो कुछ जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे वो ज़रूर कैंसिल किए गए हैं, लेकिन सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको आज अपने अपने दफ्तरों में ज़रूर जाना होगा, क्योंकि अभी जो है वो छुट्टी का कोई भी आर्डर जो है वो सामने नहीं आया। और बताया ये जा रहा है कि आज जो है वो जम्मू में कोई भी ईद की छुट्टी नहीं है, बल्कि ईद की छुट्टी जो है वो कल जो है वो रहेगी। और यानी कि आज ईद है तो उसकी 11 अप्रैल को जो है वो छुट्टी रहेगी। आज 10 तारीख है और आज ईद पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जाएगी, ये कहीं कि धूमधाम से इस ईद के त्यौहार को मनाया जाएगा। पर छुट्टी की बात करें तो छुट्टी जो है वो आज नहीं है। तो एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जम्मू, खासकर जम्मू की बात करें, हालांकि बाकी ज़िलों का क्या कुछ हाल है उसके बारे में फ़िलहाल जानकारी आना बाकी है, लेकिन जम्मू से कंफर्म हो चुका है कि जम्मू में कोई भी जो है वो छुट्टी आज नहीं होगी। हालाँकि बताया ये जा रहा है कि पूरे जम्मू प्रोविंस में आज जो है वो छुट्टी नहीं होगी। लेकिन अभी तक की जो जम्मू की हम पुख्ता जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लगातार सरकारी मुलाजमों के भी हमें कॉल्स आ रहे थे कि आज हमें दफ्तर में जाना है फिर नहीं जाना है। तो आपको बताते चलें कि आज जम्मू में जो है वो तमाम सरकारी दफ्तर जो है वो खुले रहेंगे और कोई भी किस तरह की छुट्टी जो है वो आज जम्मू में नहीं है। और जिस तरह से पहले आप दफ्तरों में जाते थे वो तो जो है वो आपको जाने की जाना होगा। वहीं अगर बात करें राजौरी की तो राजौरी से ज़रूर जो है वहाँ पर एक आर्डर जो है वो छुट्टी को लेकर सामने आया है, लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है। और क्या कुछ उसका बारे में जो है वो रहेगा, लेकिन ये तो फिलहाल बाद में पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक छुट्टी के हवाले से बात करें तो छुट्टी का कोई भी जो है वो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से छुट्टी का आर्डर जो है वो जारी नहीं किया गया। और इससे ये पता चल रहा है कि जनाब आज जम्मू में छुट्टी नहीं है और तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो आज खुले रहेंगे और सरकारी मुलाजमों को आज दफ्तरों में जाना होगा। जबकि ये कहें कि जितने भी स्कूल्स हैं जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे, चाहे वो कॉलेज के एग्ज़ाम हो, तो वो जो है वो पोस्टपोन ज़रूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक छुट्टी का कोई भी आर्डर सामने नहीं आया। और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जनाब आज जो है वो कोई भी छुट्टी जो है वो जम्मू में नहीं रहेगी और ये छुट्टी जो है वो ईद की कल जो है वो वहाँ पर रहेगी। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद, जय भारत।